पिछले जो है 5 साल से अपनी चर्च चला रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो यहाँ पे जब आए तो आप यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो क्या आपको मतलब लगा यहाँ पे? जी ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला। मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनता दराज के थाना हरदी अंतर्गत फतेहपुर में। यहाँ पे आपको कुछ लोगों ने धमकी दी, वो मास्क लगा के आए जी और कैमरे से दूर खड़े होकर लोगों को बोला कि तुमको मिटा देंगे और तुम्हारे बाबा जी को भी हम जान से मार देंगे। कोई दबाव आपके ऊपर? मेरा चमेली नाम है। ये बताइए कहाँ से आती हैं? हम काशी में से पूर्व। किसी भी प्रकार का कोई दबाव? दबाव नहीं हमारे का। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक ऐसा जो है कि न्यूज़ दिखाना चाहता हूं जो कि पिछले समय में जो है कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और हम अभी बहराइच ज़िले में हैं और यहां पे एक पास्टर के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सताव हो रहा था और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर स्थान, यहाँ का स्थान मैं आपको बताना चाहता हूँ। पांडेपुरवा फतेहपुरवा थाना हरदी पोस्ट गदामार तहसील मसी जिला बहराइच में ये जो है कि चर्च है। और यहाँ पे जो है कि एक पास्टर जी हैं जिनका नाम संतोष जायसवाल है और उनके ऊपर काफ़ी दिनों से जो है कि सताव हो रहा है। और वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर भी आए थे, उनका चैनल है आप तक नेशनल, और उनके द्वारा जो है कि यहाँ का न्यूज़ दिखाया गया था। और मैं उनको भी बुलाया हूँ और उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ का जो भी माहौल है कैसे कैसे क्या हुआ सारी जानकारियाँ जो है कि वो देंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च करीब करीब 5 से 5-6 साल से जो है कि यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ में लोग आते हैं और काफ़ी लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि अलग अलग बातें बोलते हैं लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है मैं आपको इस चैनल के द्वारा बताऊँगा। और सबसे पहले मैं उस भाई से भी हम आपको मिलाना चाहता हूँ जो यहाँ पे आके पहले रिपोर्टिंग किए थे। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो है क्या हुआ था जो आप अपने चैनल के द्वारा? जी यहाँ पे संतोष जायसवाल जी हैं जो पास्टर हैं यहाँ के। ये कई सालों से सुनने में आया है कि पिछले जो है 5 साल से अपनी चर्च चला रहे हैं। लोगों का मानना है यहाँ के आसपास और कुछ लोगों का मानना है कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो यहाँ का मतलब जो मैटर था, जो मसला था, वो पूरे ज़िले में बहुत तेज़ी से वायरल था और इस पे कई पास्टरों को हमने देखा है, नाजायज सताया भी गया है, उनको जेल में भी भेजा गया है। तो मैंने सोचा कि अगर इस जगह पे चर्च चल रही है तो क्यों ना हमारे द्वारा जा करके पुष्टि की जाए। और मैं यहाँ से देखना चाहता था कि यहाँ पे किस तरीके का जो है कार्य किया जाता है लोगों के साथ। मैं मान के चलिए 5 संडे मैं आया, मैंने यहाँ की सारी चीज़ों को देखा मगर मुझे ऐसी यहाँ कोई चीज़ नहीं मिली जिसे मैं लोगों तक दिखा सकूं कि यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन किया जाता है। सर विष्णु भैया बहराइच नाम से जो है हमारा फेसबुक अकाउंट है जिसके माध्यम से मैंने संतोष जायसवाल जी की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया था। तो ये जो है कि अपने फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब चैनल के द्वारा यहाँ की सारी जानकारियाँ जो बहुत ही विस्तार रूप से जो है कि दिखाए हैं। और मैं आपको जो है कि यहाँ के जो अगुआ है, जो मुखिया है, जो एक धर्म गुरु है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे और सारी बातें जो है कि मैं आप लोगों को जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बहुत सारे चर्च भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है कि बंद कर दिया गया, बहुत सारे पास्टरों को जो है कि जेल में डाल दिया गया। और क्या सच्चाई है कोई जो है कि बोलना नहीं चाहता, कोई दिखाना नहीं चाहता, और जो दिखाना चाहता है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है और बहुत सारे इल्ज़ाम लगा के। तो आप बताइए कि और भी बहुत सारे इस एरिया में जो कि पास्टर लोग जो है जी जी, तो उन लोगों के ऊपर भी जो है सताया गया, तो क्या आप उन लोगों के पास पहुंचना चाहेंगे? जी बिल्कुल पहुंचना चाहेंगे हम। हमारा जैसे प्रयास रहेगा कि मैं अपने हर भाई की आवाज़ को बुलंद करूं। तो यहाँ पे जब आए तो आप यहाँ पे जांच पड़ताल की, तो क्या आपको मतलब लगा यहाँ पे? जी ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला जिसे मतलब, मैं भी एक सनातनी हूँ और मैं भी इन चीज़ों को जानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कृत्य होता है तो मैं उसे धड़ल्ले से कैमरे पे दिखा दूंगा। मैंने सोच रखा था कि अगर ऐसा कुछ यहाँ होगा तो मैं दिखा दूंगा, भाई जनता तक मुझे पहुँचाना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे मिला ही नहीं जो मैं उनको पहुँचा दूँ। लेकिन बाहर क्या होता है कि लोग कहते हैं, जो पास्टर होते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग बाहर से, इनकी अच्छी फंडिंग होती है
और लोगों से फंडिंग करवाते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बताते हैं कि 5 या 11 संडे पूर्व होने के बाद में ये क्या होता है, पास्टर लोगों के ऊपर जो है कई लोगों का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि पास्टर जो है उनको गाय का ब्लड पिला देते हैं, खून पिला देते हैं, और फिर बाद में बताते हैं कि मैंने तुमको गाय का खून पिला दिया है और अब तुम हिंदू नहीं रहे, अब आप ईसा मसीह में आ चुके हैं, अब ईसाई हो चुके हैं। तो ऐसा लोगों का बाहर कहना है, मुझसे भी कई लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो आप जांच किया कर यहाँ पे कि नहीं? जी मैंने जाँच किया। क्या आपको मिला? मुझे कुछ नहीं ऐसा चीज़ मिला, मुझे बस जो चीज़ मिला वो मुझे भी अच्छी लगी। यहाँ पे सिर्फ प्रार्थना की जाती है और लोगों के ये अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे पास्टर जी और जो हमारी जनता आती है, पूरा हॉल हमारा खचोखच रहता है, लोगों को यहाँ आने से आराम भी मिलता है। हमने देखा है यहाँ पे एक माता जी आई थी जो यहीं भगवानपुर की रहने वाली हैं, उनका जो है कैंसर ठीक हो गया, अब वो बेचारी पैदल आती हैं जी, 70 से 71 साल की उनकी उम्र होगी और उनका कैंसर ठीक हो गया। जनपद बहराइच के डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आप अब जीवित नहीं रह पाएंगे, मगर यहाँ आने से उनका कैंसर ठीक हो गया। मतलब कैंसर उनका सही हो गया? जी कैंसर सही होगा, मैंने भी उनसे बात की, मेरे पास पुष्टि की है, मतलब आप जांच पड़ताल की है, आपको ये लगा कि मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं हो रहा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कृत्य कुछ भी नहीं होता है, जो लोग कहते हैं ये सब फर्जीवाड़ा है और किसी को परेशान ना किया जाए। यहाँ पे जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो बिल्कुल, वो सब इल्ज़ाम जो है वो सब फालतू हैं। वो क्या है कि कुछ राजनीतिक लोग जो है इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, वो किसी की भी आस्था को जो है राजनीतिक मुद्दे से वो जोड़ देते हैं, तो बस वही संतोष भैया के साथ भी हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे भाई विष्णु भाई बताए, और यहाँ पे इससे पहले भी आकर जो है कि जांच पड़ताल कर चुके हैं, और बहुत सारे इनका चैनल पे वीडियो है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके जो है कि देख सकते हैं, और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो है कि पास्टर लोगों ऊपर जो है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारी बातें जो कि लगाई जा रही है। तो मैं आपको जो है कि बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की सच्चाई क्या है। तो हम यहाँ के जो अगुआ है उनसे भी बातचीत करेंगे और भी पूरे विस्तार रूप से जो है कि क्या क्या घटना उनके साथ घटा, मैं आपको जो है कि इस चैनल के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग जो है जी, मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चर्चें हमारी चलती हैं उन्हें चलाने दिया जाए और पास्टरों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि कई बार बहुत यहाँ आपके लोगों से मैंने बात किया तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, कई लोग आते हैं जिनके पास अपना आने का किराया तक का भी नहीं होता है। मैं वो चीज़ें जब देखता हूँ तो आँखें नम हो जाती हैं थोड़ा, तो क्या है कि उनके पास किराया भी नहीं होता है, वो लोग आते हैं तो मैंने उनसे बात किया कि ये सब क्यों आते हो आप यहाँ, आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, यहाँ आपका क्या काम, आप पूजा पाठ करिए। तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ, हमारा जो है कोई भी स्वास्थ्य किसी भी चीज़ का जो है वो सही हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं और हमें सीधे जो है प्रभु से आशीर्वाद मिलता है जी। तो आप इस तरीके से बता रहे हैं तो लोगों को ये भी लगेगा कि आप जो है कि मसीह लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल चल के आपको जो है कि ये भी बताएं कि हाँ ये जो है कि उन लोग की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, एक पत्रकार किसी की तरफ से नहीं, वो जो सच दिखा रहे हैं, मैं क्यों किसी ने कोई पैसा थोड़ी ना दिया है, मैं किसी की तरफ क्यों बोल, जो सच है, जो सच है आप बता रहे हैं जी, जो सच है। तो इनका कहना है कि जांच पड़ताल के और यहाँ पे जो सच्चाई है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी जाति किसी धर्म को जो ऊंचा और नीचा दिखाने का काम नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे सच है जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है और जो हो रहा है वो बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है कि ईसाई समाज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है और एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़ा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है कि सताया जा रहा है। और रही बात हमारे भाई साहब बताए कि बहुत सारे लोग एक प्रकार से कहते हैं यहाँ पे ब्लड पिलाया जाता है, तो मैं आपको बताऊँ वो एक अंगूर का रस है और जो है कि एक मसीही समाज में एक बहुत ही नियम है, एक विधि है, जो कि आप विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो आप किसी अगुआ से मिलिए और उसके बारे में वो जो विस्तार रूप से बताएंगे क्यों वो पीते हैं, क्यों पिलाते हैं, और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप जो है कि नज़दीकी कहीं चर्च है तो वहाँ पर जाइए और पता कीजिए और उसके बाद से आपको सब कुछ मालूम चलेगा। और उसके साथ साथ जो है कि बहुत सारी जो है कि यहाँ का जानकारियाँ हमारे भाई साहब जो है कि अपने चैनल के द्वारा जो कि आपको दिखाए हैं और मैं भी आपको जो है कि अपने चैनल के माध्यम से जो है कि आपको सारे विस्तार रूप से यहाँ के जानकारियाँ दिखाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से जो है कि पास्टर लोगों ऊपर जो है कि यूपी में जो है कि सताव हो रहा है और उसके बावजूद जो है कि कितने लोगों को जेल में भी डाल दिया गया, कितने लोग जो है कि आके सामने बोलना नहीं चाहते,
चाहते हैं, लेकिन आज जो है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग सामने आए और उन लोग के साथ क्या क्या हो रहा है वो लोग बताए। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय।